नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। विश्व में सनातन धर्म को सबसे पुरातन माना गया है। सनातन धर्म से संबंधित वेद पुराण उपपुराण श्री रामायण श्रीमद् भगवद गीता को मानव सभ्यता की आधारशिला कहा गया है। इन सभी पावन ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ब्रह्मांड के समूचे ज्ञान के अलावा नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराओं, विज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी संग्रहित है। जर्मनी में भगवान नरसिंह की 32,000 साल पुरानी प्रतिमा का मिलना सनातन धर्म के पुरातन होने की प्रमाणिकता की पुष्टि करता है। आइए आपको बताते हैं कि जर्मनी में भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान नरसिंह की विशाल प्रतिमा से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। क्या जर्मनी तक फैली थी सनातन धर्म की जड़ें? जर्मनी में आज से 79 साल पहले वर्ष 1039 में एक गुफा में नरसिंह भगवान की 32,000 साल पुरानी मूर्ति को ढूंढ निकाला गया। दूसरे विश्व युद्ध के चलते इस प्रतिमा के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं मिल सकी। इस गुफा में से कई जीवों के अवशेष और लोगों के कंकाल भी मिले थे। मूर्ति गुफा के मुख से 20 मीटर अंदर और जमीन से करीब 1.2 मीटर गहराई तक मिली थी। वर्ष 1998 में पुरातत्व विभाग से संबंधित वैज्ञानिकों ने इस खंडित मूर्ति के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा तो यह प्रतिमा भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह के रूप में सामने आई। जिस गुफा में यह प्रतिमा मिली वहां पर दिन और रात्रि का मिलन होता है। इस 20 मीटर लंबी गुफा में रोशनी की आखिरी किरण भी पड़ती है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जब भगवान नरसिंह ने वक्त चुना था उस समय रात और दिन का मिलन हो रहा था। इस मूर्ति के मिलने के बाद इतिहासकार यह सोचने पर मजबूर हो चुके कि आखिर सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना है। भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति का एशिया में ना मिलकर यूरोप में जर्मनी के गुफा में पाया जाना हैरानीजनक है। भगवान नरसिंह ने की थी अपने भक्त की रक्षा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह का असल में अर्थ आधा शेर और आधा मनुष्य है। वेदों और शास्त्रों में भगवान नरसिंह से जुड़ी कथा वर्णित है। राजा कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप द्वारा अपने ही पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने के प्रयास के दौरान भगवान नरसिंह खंभा फाड़ कर निकले थे। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़कर मार दिया था। जब हिरण्यकश्यप को मारा गया था उस समय रात और दिन का मिलन हो रहा था। यूपी में भी है भगवान नरसिंह की विशाल प्रतिमा। देश दुनिया में ऐसी कई प्रतिमाएं हैं जो अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। जर्मनी से मिली प्राचीन भगवान नरसिंह की प्रतिमा के अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के गांव दुधई में भी भगवान नरसिंह की एक 35 फीट ऊंची प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा को चट्टान को काटकर बनाया गया है। प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मारते नजर आ रहे हैं। इस प्रतिमा को कब और किसने बनाया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि गुप्त काल में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती थी। भगवान नरसिंह है उत्तराखंड के कुल देवता। पौराणिक मान्यता के अनुसार 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने सृष्टि की रचना और देव उत्पत्ति के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। शायद उक्त प्रतिमा उन्होंने ही स्थापित की होगी। प्रतिमा में आ रहे अविश्वसनीय बदलाव केदार खंड के सनत कुमार संहिता अनुसार जब भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन विष्णु प्रयाग के समीप पटमिला नामक स्थान पर जय व विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे। इसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब इस मूर्ति में कई आश्चर्यचकित करने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस प्रतिमा की दाहिनी बाजू पतली है जो धीरे धीरे पहले से अधिक पतली होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी जर्मनी में मिली 32,000 साल पुरानी भगवान की प्रतिमा से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।